तो दूसरी में बात करने वाले टाटा टेली सर्विसेज स्टील की। तो आज पूरे दिन तक हमें क्या हुआ, स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट देखने को मिली। दो लास्ट के 1520 मिनट में हमें एक बहुत ही बड़ा स्पाइक देखने को मिला। टाटा टेली सर्विसेज में ऑलरेडी ये स्टॉक अपर सर्किट को कैच कर जाता, लेकिन फिर जो मार्केट में लास्ट क्लास में सफाया उसकी वजह से हमें ये स्टॉक नेगेटिव 1.58 में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आज आप यहां पर देख ले तो आप क्लियर कट यहां पर बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक हम ATML में आज काफी स्ट्रांग बाइंग देखने को मिले, मतलब किसी ना किसी ने बड़े प्लेयर ने यहां पर क्या उठाया, माल उठाए। अभी तो से बात करें तो अगर यहां से अपर सर्किट कल से स्टॉक में लगनी शुरू होती है तो पहला टारगेट जो रहेगा आपका ऑन दी वेबसाइट वो रहेगा 200 का। 200 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक सीधा सर्किट 300 के लेवल भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चल रही है, लेकिन अभी एंट्री लेने से पहले एक चीज फोकस में रख लेना कि 26 अप्रैल को कंपनी के रिजल्ट है, ठीक है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट है, तो अगर रिजल्ट में कुछ मेजर चेंजेस आते कंपनी के प्रॉफिट में, तो आपको स्टॉक वापस से अप टू अपर सर्किट में भागता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर वो किसी के हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए छोटा सा जो टीम को वापस से अपना सेकंड में कैच करवा सके। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एसिडिटी में भी देखने को मिली, लेकिन एक बार अगर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए तो बड़ा ब्रेकआउट के साथ यहां पर स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी यहां पर है कि अगर रिजल्ट खराब आए तो यहां पर डाउनसाइड ओपन हो जाएगा स्टॉक के लिए। 120 का 120 के नीचे स्लिप होता है तो 102.80 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते, और डाउनसाइड तो दोनों तरफ से आपको प्रीपेड ऑर्डर है वो स्टैंड में सिचुएशंस के लिए। तो दूसरे को फिर यही करते वीडियो कॉल लगाओ, प्लीज लाइन चैनल सब्सक्राइब जरूर देना।